चंडीगढ़ में तय तारीख पर मेयर चुनाव ना होने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि बीते दिनों चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से मेयर चुनाव को लेकर पिछली तारीख 6 फरवरी तय कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये स्वीकार नहीं थी। उनका कहना था कि नगर निगम चुनाव के लिए इतना लंबा अंतराल सही नहीं है, जिसके चलते आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है और इस फैसले में 30 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ये हिदायतें भी जारी की हैं कि चुनाव के दिन नगर निगम कार्यालय में सिर्फ पार्षदों को ही जाने की मंजूरी है और उस दिन किसी भी पार्टी के असी पटिशनर वालों एडवोकेट सी ते जेड़ी एक पटिशन फाइल की गई सी साडे वालों जेड़े 6 फरवरी नूं इलेक्शन पोस्टपोन होया सी उस लैटर नूं 18 जनवरी वाली लैटर नूं असी चैलेंज किया सी उहनूं कोर्ट ने अज सैटिसफाइड कर दिता ते साडी पटिशन अलाउ हो गई है। ते इस तों इलावा कोर्ट ने हैल्ड किया कि जेड़े इलेक्शन ने हुण 30 जनवरी नूं सवेरे 10 बजे इलेक्शन होणगे ते विद जो प्रोसीजर है प्रोसीजर दे नाल ते जेड़ी अंडरटेकिंग दित्तियां गईयां सीगियां 17 जनवरी नूं उसके अकॉर्डिंग। सब तो पहले तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोगों के हित में चंडीगढ़ के लोगों के हित में बहुत वधिया फैसला दिता है। तो यह चंडीगढ़ के लोगों की भी जित है। 18 जनवरी को जिहड़ा एक गलत नोटिफिकेशन जारी किया डीसी साहब चंडीगढ़ ने एज ए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वो सैटिसफाइड हो गया है। उस नोटिफिकेशन में 6 फरवरी को फैसला 6 फरवरी को चुनाव होने से वो फैसला सैटिसफाइड होना जज साहब ने नवी चुनावों की नवी डेट मुकर्रर की है वो है 30 जनवरी। हुण 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन होणगे नाल सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर के भी होणगे। तो ये कुछ हदायतां दित्तियां